और इस वक्त बड़ी खबर, बातचीत को लेकर रूस का बड़ा बयान। लगता है यूक्रेन के ऑफिसर सो गए हैं। यूक्रेन से बातचीत में देर हो सकती है क्योंकि कल से ही रूसी प्रतिनिधिमंडल जो है वो बेलारूस में बैठा हुआ है। लेकिन इस वक्त इस बातचीत को लेकर यूक्रेन के लिए क्या कहा जा रहा है रूस की तरफ से कि लगता है ऑफिसर सो चुके हैं। यूक्रेन से बातचीत में वक्त लग रहा है, बेलारूस में अभी नहीं पहुंचे हैं यूक्रेन के ऑफिसर, और यही वजह है कि कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है रूस। पुतिन का इस वक्त इस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है कि ऐसा लगता है कि बातचीत नहीं हो सकती है, बातचीत में देरी होगी, ऑफिसर सोए हुए लगते हैं। लेकिन कल से लेकर आज तक जो शर्तें सामने आई थी यूक्रेन की, वो शर्तें ये थे कि हम बेलारूस में बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जब लगा कि नहीं, ये बातचीत जरूरी है, चाहे वो बेलारूस में ही क्यों नहीं हो, क्योंकि यहां नुकसान किसी और का नहीं, सबसे ज्यादा यूक्रेन का हो रहा है। भले रूसी सेना मार गिराए जा रहे हैं, लेकिन रूस के अपने देश में कोई सिचुएशन खतरनाक नहीं है, उसके सेना की मौजूदगी भले ही हो, और यही वजह है कि ये स्टैंड लिया बेलारूस में बातचीत नहीं करने का यूक्रेन ने। वहीं यूक्रेन के खार्कियों में भारी बमबारी के बाद वहां की सड़कों पर मलबे बिखर चुके हैं, जबकि कई जगहों पर गड्ढे हो चुके हैं। बमबारी की वजह से इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। ये हम आपको अलग अलग एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कीव के बाद खार्कियों की वो तस्वीर है जहां देखिए धमाके के बाद क्या आपको लगता है कि यहां कभी रौनक, ये इस पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर दिया गया है, और ये रूसी सेना ने किया है। हालांकि जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की सेना कर रही है। दुनिया की निगाहें हैरानी से इस ओर देख रही है कि आखिर यूक्रेन कैसे सामना कर रहा है रूस जैसे ताकतवर मुल्क का। रूस के पास दुनिया का सबसे घातक फादर ऑफ ऑल बॉम्ब मौजूद है। यह रूस का सबसे घातक हथियार है। रूस ने इसे 2007 में बनाया था। यह गैर परमाणु हथियार है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का वजन 7000 किलोग्राम से ज्यादा है, जो 300 मीटर के इलाकों को तबाह कर सकता है। बॉम्ब वातावरण के ऑक्सीजन को पूरी तरीके से सोख लेता है और जमीन से ऊपर धमाका करता है। तो ये इसकी खूबी है। वजन भी हम आपको बता चुके हैं, और यही वजह है कि अगर नेटो देशों ने आपत्ति जाहिर की है कि ये धमाका नहीं होना चाहिए, तो इसके पीछे वजह है। इसके पीछे वजह यह है कि इससे बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि बातचीत के लिए जो टेबल तैयार है, क्या उससे समाधान निकलेगा, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम। तो देखिए किस तरह से यूक्रेन को लेकर कटाक्ष यहां पर रूस की तरफ से सामने भी आया है कि लगता है कि यूक्रेन के जो अफसर हैं वो सो गए हैं। हालांकि दोनों देशों का यह महाटकराव किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, किस तरह से बेलारूस की टेबल पर क्या बातचीत होगी या नहीं होगी, बीच का क्या रास्ता निकलेगा, अब निगाहें इस पर भी काफी हद तक टिकी हुई हैं। लेकिन ताकत यहां पर सैन्य तौर पर समझ लेना जरूरी है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, इसका जिक्र हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस का यह सबसे घातक हथियार एक ऐसा हथियार है जो कि प्रतिद्वंदी देश के एक बड़े को नेस्तनाबूद करता है। साल 2007 में इस बॉम्ब को बनाया गया था। एक सबसे घातक हथियार का निर्माण जो है वो किया गया था। सबसे घातक और परमाणु हथियार यानी कि गैर परमाणु हथियार जो है ये रूस के पास मौजूद है, जिसका इस्तेमाल देखिए किस तरह से रूस कर भी सकता है। 7100 किलोग्राम इसका वजन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े क्षेत्र को यह टारगेट कर सकता है और किस तरह से कई जिंदगियों को यह पल भर में तबाह कर सकता है। एक बार में बड़ा धमाका, बड़ा हमला यहां पर रूस के जरिए इस बॉम्ब के जरिए किया जा सकता है। 300 मीटर के इलाके को यह अपनी चपेट में, अपनी गिरफ्त में बहुत ही आसानी से ले सकता है। इससे ज्यादा भी यह इलाके को अपना निशाना बना सकता है और पल भर में ही प्रतिद्वंदी देश के एक बड़े हिस्से को नुकसान, भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में जेटोमेर के पास एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ है। कहा यह जा रहा है कि एयरपोर्ट को निशाना बनाने की रूसी सेना की यहां पर बड़ी साजिश थी। एयरपोर्ट के पास यह बड़ा धमाका हुआ है। एयरपोर्ट के पास जैसे ये धमाका हुआ, पूरा शहर हिल गया, धरती में भूकंप जैसे हालात वहां पर बन गए। एयरपोर्ट के पास ही मौजूद सीसीटीवी में ये फुटेज रिकॉर्ड हुआ है, जो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से वहां पर यह धमाका हुआ। धुएं का गुब्बार वहां पर नजर आया और यह कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट को निशाना बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही थी। यूक्रेन सेना की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना जानबूझकर यूक्रेन में एयरपोर्ट को निशाना बनाए। पिछले 5 दिनों से यह जंग जारी है, वार पलटवार, धमाके, बम, मिसाइलें। रूस
और यूक्रेन के बीच जंग में देखने को मिल रही है। और अब ये जेटोमार से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ है। पास में ही लगे सीसीटीवी में ये फुटेज वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। और इतना जोरदार ये धमाका था कि आसपास जितने भी घर थे सभी घरों के शीशे वहां पर टूट गए। जिस सीसीटीवी फुटेज में ये रिकॉर्ड हुआ है फुटेज, उस घर में की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई। और इस धमाके के बाद धुएं का गुब्बार और आसमान में बिजली ही नजर आई। क्यू में वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। वीकेंड कर्फ्यू पहले लागू था। यूक्रेन रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन, यानी कुछ लोगों को अगर बाहर भी जाना है जो कि चाहते हैं कि वो इस युद्ध के हालात से खुद को बाहर रखें, तो वो अब जा सकते हैं, क्योंकि क्यू राजधानी क्यू से वीकेंड कर्फ्यू हट चुका है। युद्ध से रिलेटेड ये खबर है। इस वक्त हम अपडेट कर रहे हैं आपको कि कर्फ्यू हट चुका है, अब वहां पर स्पेशल ट्रेनें चल सकती हैं। विशेष ट्रेनें चलेंगी, स्पेशल ट्रेनें चलेंगी यहां से, और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जिसमें भारतीय छात्र भी थे जिनको पोलैंड तक पहुंचने में या बॉर्डर तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो उनके लिए भी अब राहें आसान हो चुकी है। हालांकि बीते दो दिन पहले ये गाइडलाइंस था कि आप मेट्रो रेलवे स्टेशन भी ना जाएं, क्योंकि इसको भी टारगेट किया जा सकता है हाई अलर्ट पे ये भी इलाके, और यही वजह कि वीकेंड कर्फ्यू था। लेकिन अब वीकेंड कर्फ्यू हट चुका है, यूक्रेन रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन, ये इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूसी मीडिया के हवाले से खबर है कि यूक्रेन ने महायुद्ध में प्रतिबंधित केमिकल फास्फोरस का इस्तेमाल किया है। हालांकि रूस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और अमेरिका के बयान की कड़ी निंदा भी की थी, लेकिन इस इनकार को कितना सच माना जाए। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने अपने दावे को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि बंदूक दो गोले से बढ़कर ये लड़ाई अब न्यूक्लियर हमले तक पहुंच सकती है और यूक्रेनी नागरिकों को इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। युद्ध के बीच और ज्यादा सतर्क रहने की बात यूं ही नहीं कही जा रही है। पिछले साल दिसंबर महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलेआम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी। ответные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать и, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право. और आज ही पुतिन ने अपने न्यूक्लियर अटैक फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के लिए आदेश दिए थे कि वही सेना है जो परमाणु हमले के वक्त बचाव कर सकती है या खुद हमला भी कर सकती है, जिसका अमेरिका ने कड़ा विरोध किया है। द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास करीब 6,257 परमाणु हथियार है। वैसे भी यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर इस समय रूस का ही कब्जा है। यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर मौजूद ये न्यूक्लियर प्लांट अब परमाणु कचरे का स्टोरेज सेंटर है और यहाँ कई टन परमाणु ईंधन रखा गया है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास भी किया है, जिसमें कुल 40,000 रूसी सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास की सबसे अहम बात ये थी कि इस मिलिट्री ड्रिल में परमाणु हथियार भी शामिल थे। साफ है रूस यूक्रेन को नेस्त नाबूद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।